यह एक एलजी फ्रिज का इन्वर्टर का बोर्ड है, तो आप देखिए इसमें बहुत भयंकर जो है ये जो एनटीसी है इसकी भी हालत एकदम ख़राब है, और एक नहीं दोनों उड़ चुकी हैं यहाँ पे, और ट्रैक भी बहुत बुरी तरह से यहाँ पे जला हुआ है। तो ये रिपेयर होगा कि नहीं, तो इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा, और समझना ये है कि हम सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर को यहाँ पे चेक करेंगे। अगर जो हाई साइड यानी डीसी वाले सेक्शन में अगर आईपीएम का ये वाला भाग अगर ख़राब शो कर दिया तो ये 100% ख़राब हो जाएगा, नहीं बनाना उचित रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये वाले सेक्शन में तो ये पावर सप्लाई वगैरह सब जल चुकी रहेगी, लेकिन इस तरफ नुकसान नहीं रहेगा। यानी ये जो कम्युनिकेशन का है ये बोर्ड पे ये ख़राबी मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए, और ये फर्स्ट मेरे पास ही आया है। तो इतना तो तय है कि इसके अंदर बनने का मेरे समझ से इसका चांस 70% है, और 30% उम्मीद नहीं रहेगी क्योंकि हाई करंट। अच्छा, दूसरा चीज़ ये उड़ा क्यों, इतना बुरी तरह से तो नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूज ब्लास्ट करने के बाद स्टॉप होना चाहिए, लेकिन ये मोबी भी चालू रही है, मतलब ये एनटीसी भी आन रही है और ये जली है। इसका मतलब, ये जलने का मतलब ये है कि ये जा कर के यहाँ पे यानी ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है इसके बीच में यहाँ पे, तो ये क्रिएट हुआ है इस पे, तो ये भी शॉर्ट होगा यानी हमारा ये अभी ख़राब होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, और बहुत बुरी तरह से जला हुआ है, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा, नहीं थोड़ा सा होता तो बात अलग है, लेकिन बहुत बुरी तरह से। एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आप देखिए, तो हुआ क्या होगा, या तो इसके ऊपर निगेटिव या तो पॉजिटिव या फेज का कोई हिस्सा यहाँ पे आकर के टच हुआ है, जो कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट हुई है, और वो उस कंडीशन में आगे ना जा करके ये इसी तरफ नुकसान हुआ है ये वाले हिस्से में यानी आउट वाले हिस्से में। तो हम इसको पहले साफ कर लेते हैं, क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद जो भी स्पेयर होगा मैं एक एक करके निकालते जाऊंगा और अपने हिसाब से चेक करने की कोशिश करूंगा, और कैसे मैं करता हूं वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूं। तो इसमें जो है करंट इस रास्ते से आया है, फ्यूज वाले रास्ते में ये भी एनटीसी, तो ये एनटीसी भी उड़ चुकी है, ये भी एनटीसी उड़ चुकी है, ये दोनों का रास्ता एक ही बनता है यहाँ पे आकर के इस जगह पे। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है, और यहाँ पे मैं ये मीटर का इस्तेमाल करूँगा, तो थोड़ा मैं रेंज को वापस बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको देखने में। हाँ, तो चलिए अभी मैं शुरू करता हूँ, और हमें सबसे पहले तो फुल कंटिन्यूटी रेंज में रख करके इसे चेक करना पड़ेगा आईपीएम को। तो ये वाला भाग हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़ हम ये वाले हिस्से को देखते हैं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ब्रिज रेक्टिफायर का, तो
तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि कोई इसमें नहीं है। वो कैपेसिटर का पिक आया था और एक तरफ से फुल बता रहा है और एक तरफ से हाफ बता रहा है, तो एक तरफ से फुल बताएगा ही, वो आपको भी मालूम है। और इसको देख लेते हैं तो इसे नहीं बताना चाहिए, यानी एक डायोड इसके अंदर में चार डायोड में से एक डायोड एक साइड से शॉर्ट हुआ है। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी होगी। तो यहाँ थोड़ा शोल्डर जो है मेरा छोटा साइज़ का है, तो मैं इसको तोड़ के निकाल देता हूँ, ज़रूरती नहीं है क्योंकि जब ख़राब है तो मुझे मालूम है। और इसे सेव करने की हमें ज़रूरत नहीं है इसके चक्कर में, तो ये गलत है और ये ख़राब है। एक साइड से फूल आएगा, इसमें हर हालत में आएगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट डायरेक्ट हो गया है, ये वाला पॉइंट, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है और पॉजिटिव वाला, तो ये कैपेसिटर के ज़रिए यहाँ पे आया है। तो अभी मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, फिर ये ट्रैक वगैरह सब जोड़ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और समझ जाइए आप, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस, ये डायरेक्ट CSTR से संबंध रखती है। और ये रेजिस्टेंस उड़ने का मतलब है कि STR भी साथ में ब्लास्ट कर गया है। जब STR ब्लास्ट करेगा यानी शॉर्ट होगा, तो स्वाभाविक है कि ये कैपलर भी इसके साथ जाएगा, तो ये हमको ये कैपलर भी चेंज करना पड़ेगा, STR भी चेंज करना पड़ेगा। और एक भाई कमेंट किए थे कि इसके बदले में कौन सा STR डालें, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है उसे बदलने की ज़रूरत क्या है, वहाँ पे दूसरा आपको नंबर लगाने की ज़रूरत क्या है। वैसे भी ये नंबर थोड़ी कंपनी जब अपने हिसाब से लगाती है तो कुछ आड़ा टेढ़ा नंबर इन लोग का अलग ही रहता है, जब ना मिले तो फिर उसके लिए समस्या बनती है। तो मैं देखता हूँ अगर नहीं मिलेगा तो ही, अच्छा दूसरा चीज़ जो मैं फॉल्ट कर रहा हूँ, जो फॉल्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ उसके विषय में आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा अगर पूछेंगे तो मैं बार बार बोलता हूँ, भाई मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आप ही जैसा एक टेक्नीशियन हूँ। फर्क कितना ही है कि मैं जो है थोड़ा जो भी करता हूँ उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। उसका कारण ये है कि मैं क्लास किया हूँ, इसकी पढ़ाई किया हूँ, और पढ़ाई किया हुआ जानते हैं कि जब आप एक एक स्पेयर के बारे में जानेंगे तो वो चीज़ आसानी से आप समझ सकते हैं। तो एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, ये चीज़ देखिए आप, जब ये ब्लास्ट हुआ है तो ये कार्बन यहाँ पे इकट्ठा है, ये वाला, तो इस कार्बन को रिमूव करना अति आवश्यक है। अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे इसकी भी हालत ख़राब हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं है, हालत ख़राब है तो हालत सही होगा, दो चार टैबलेट खिलाएंगे इसको। और हाँ टैबलेट भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता है। पता नहीं कौन सा पावर दिया गया है इसके अंदर, इतनी बुरी तरह से जलना तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये हो गया क्लीन, इधर से हो गया क्लीन, परफेक्ट। तो अब हम इसको दोनों को बदलने से पहले हम इसको पहले स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद तो स्टार्ट तभी हो सकता है, ये डालना है और ये दोनों चीज़ को डालने के बाद ही हो पाएगा। तो ये रेजिस्टेंस जैसा कि आप देख रहे हैं कि फट चुका है, तो
फटने का मतलब है कि इसका भी काम तमाम है, तो ये नंबर कौन सा होगा थोड़ी सी यहाँ पे समस्या बन सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर है इसका 8.2, यानी 8.2 इसलिए कि यहाँ पे स्लेटी है और स्लेटी यहाँ पे सामने की तरफ स्लेटी है और स्लेटी के बाद दो है और दो के बाद सिल्वर है, तो सिल्वर आगे जाएगा और बीच में पॉइंट लगा देगा, तो 8.2 ओम्स है ये हमारे समस्या, और बाकी किसी के समस्या कुछ भी हो सकता है, किसी के क्या लगभग सभी के समस्या यही होना चाहिए। बाकी तो डायरेक्ट बहुत से लोग इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो डायरेक्ट मत करिएगा, डायरेक्ट रहने से नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एसटीआर को भी रिमूव करूँगा क्योंकि एसटीआर तो उड़ना 100% कंफर्म है और इसको चेक किया जा सकता है, लेकिन जो तरीका है ये है, अभी इस वाले पॉइंट से आया था तो निगेटिव से तो अभी ओपन है, निगेटिव से जब भी ओपन रहेगा तो यहाँ पे तो हमें कोई ऐसा इस तरह से शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं शो करेगा, ठीक है, बराबर ही शो कर रहा है कि हाँ हम बराबर हैं। लेकिन अगर हम ये वाला पॉइंट इसके साथ में है तो हम यहाँ से चेक करेंगे तो हमारी हकीकत यहाँ पे मालूम पड़ेगी कि इसकी कंडीशन क्या है। तो अभी तक तो ये शो कर रहा है कि नहीं सही है, तो ठीक है, अगर सही है तो ये वाला देखना पड़ेगा कि बाइंडिंग तो नहीं गई है इसकी, तो ये है बाइंडिंग का, यहाँ पे बाइंडिंग बराबर है, ये वाली बाइंडिंग जो इसमें से आएगी और यहाँ पे जा कर के ड्रेन के साथ मिलेगी। यहाँ पे एक जम्पर है, इसे देखना पड़ेगा, जम्पर हो सकता है, क्वाइल हो सकता है, चौक हो सकता है और एक रजिस्टेंस हो सकती है, तो ये अभी सही है। तो एक बार ट्राई करते हैं इसी पे फिर आगे बढ़ते हैं, तो मैं पहले ब्रिज रेक्टिफायर की बंदोबस्त करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सैमसंग का पड़ा हुआ था, सैमसंग का ही होगा संभवतः और ही स्क्रैप में मिला था, तो अभी तो आईपीएम इसके अंदर आईपीएम भी है, ये भी किसी दिन देखेंगे। और इसमें से मैंने ये उधारी इस सर्किट से ले लिया उधारी, और इसको मैं इसमें डालूँगा, लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगा दिया और ये हमारे पास सीरीज का है, तो अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे बल्ब जल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमारा ब्रिज, अब इसके लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा इस एसटीआर को, क्योंकि हमें पूरी संभावना है कि ये शॉर्ट है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो थोड़ा एसटीआर निकालने में समस्या होती है, और ये समस्या इसके लिए होती है कि इसकी टांगें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और ये शोल्डर जब भी डबल ट्रैक होता है तो निकालते समय जो है ये ट्रैक जो है खींच लेता है हीट को, तो मैं पकड़ का इस्तेमाल करूँगा और इसको खींचने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा प्रेशर से मत खींचिएगा वरना पीछे साइड में जो ट्रैक हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर होगा नहीं, जब आपको अनुभव हो जाएगा तब भी आप ये ऐसा अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा ऐसे मत करिए और वीक का इस्तेमाल करके करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका हाथ भी इसमें साफ होता जाएगा। तो मैं क्लीन कर लेता हूँ, और ये अभी एसटीआर भी संभवतः उधारी लेना पड़ेगा,
किसी पीसीबी से, और नहीं तो देखता हूँ अगर जो आधे एक घंटे में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो अगर आपको अधूरी लगी लगेगी छूटी हुई तो आप इसका पार्ट में आपको मिल जाएगा। आप रेगुलर अगर वीडियो देखते रहेंगे तो अचानक अगर पहली बार आपको वीडियो मिलेगी तो आप शायद बोलेंगे कि ये अधूरी वीडियो है, लेकिन जो भी अधूरी रहती है मैं उसको पूरा करता हूँ किसी न किसी में। हाँ, थोड़ी देर लगती है तो आप कह सकते हैं कि अधूरी वीडियो है। तो एक बार मैं फिर वापस इसको निकाल करके और वही सप्लाई फिर वापस लगा करके देखता हूँ कि अब भी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे और फिर मैं देखते हैं, तो अभी कोई स्पार्किंग नहीं आया और इसको मैं वोल्टेज मोड में देखता हूँ क्योंकि कैपेसिटर अभी फुल चार्ज मोड में रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो अभी देखिए कैपेसिटर चार्ज मोड में है, तो अभी ये शॉर्टिंग निकल भी गई है। अब हमको इसको रिपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस एसटीआर की, और इस एसटीआर का नंबर है आप देख भी लीजिए, दिखा तो ठीक नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। STR W6072S, तो ये मैं जा रहा हूँ ढूंढने के लिए, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो यहीं पे स्टॉप रहेगी, नेक्स्ट वाले में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा।